Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to New Programmer. So guys, in this tutorial, we discuss about the PHP file handling. First of all, we can create the file, then we perform the simple step-by-step sum operation. So guys, without wasting any time, let's start the tutorial. So, सबसे पहले आपने सिंपल यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आपने एग्जाम को ओपन करना है, क्योंकि हम जब एग्जाम को ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल को, तो यहाँ पे हमें लाजमी स्टार्ट और स्टार्ट को करना पड़ेगा. ओके, अपाची और माई एसक्यूएल को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सिंपल, और इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है कि आपने सिंपल सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करना है. ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि टाइटल में हम आज फाइल हैंडलिंग के बारे में करेंगे. ओके, तो इसके लिए क्या है कि फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्या है कि आप PHP के अंदर आप एक फाइल को ओपन करवा सकते हैं, उसको डिलीट करवा सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, आप उसको क्लोज करा सकते हैं, रीड करा सकते हैं, राइट करवा सकते हैं. ओके, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, फंक्शन है. ओके, किसी भी फाइल को हैंडल करने के लिए. सो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एक एंड तक लेके जाऊंगा और फाइल को हैंडल करने के डिफरेंट स्टेप्स आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंट्रोल एन न्यू फाइल क्रिएट करूंगा. ओके, तो जिसका मैं नाम एक कंट्रोल एस करता हूँ. ओके, तो कंट्रोल एस मैंने यहाँ पर किया. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं txt के नाम से, जिस पे हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे. ओके, तो ये हमारे पास htdocs के अंदर php के अंदर ही बनेगा. ओके, तो मैं इस पे क्या लिखूंगा. ओके, मैं यहाँ पे फाइल लिखूंगा. ओके, .txt लिख देते हैं. ओके, तो ये मैंने फाइल .txt लिखा और इसको सेव कर दिया. ओके, ये हमारे पास सेव हो गया. इसी तरह मैं एक कंट्रोल न्यू एक और फाइल बनाता हूँ. ओके, कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर php की एक्सटेंशन लूंगा. ओके, तो मैं यहाँ पे देता हूँ. ओके, फाइल हमने पहले फॉर्म हैंडलिंग को कवर किया था, अब हम फाइल हैंडलिंग को कवर करेंगे. ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ हैंडलिंग. ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि .php मैं करूँगा. ओके, यहाँ पर हमने क्या करना है कि php की प्रोग्रामिंग करनी है. ओके, तो ये अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया. अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे txt के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ. ओके, हेलो. ओके, इट्स माई. ओके, न्यू. मैं यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम लिख देता हूँ. ओके, तो ये इस तरह का कंट्रोल एस किया. ओके, कंट्रोल एस करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर गया. अब आपको पता होना चाहिए कि जो PHP बेसिकली क्या अलाउ करता है कि आप फाइल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह आप रीड कर सकते हैं लाइन बाय लाइन फाइल को, इसी तरह करेक्टर बाय करेक्टर फाइल को रीड कर सकते हैं, इस तरह आप किसी भी फाइल के ऊपर राइट भी कर सकते हैं. ओके, उसको अपेंड मोड या डिलीट फाइल भी कर सकते हैं, उसको क्लोज भी करवा सकते हैं. तो हम स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले मैं आपको ओपन बताऊंगा किस तरह हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं. ओके, तो यहाँ पर मैं अगर फाइल हैंडलिंग PHP में आता हूँ. ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ, एक्सटेंशन. ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल आऊंगा और सिंपल टैग्स ओपन करूंगा PHP. ओके, यहाँ पर मैंने क्लोज किया. ओके, और मैंने अब इसके अंदर मैं किस तरह ओपन करूंगा, सबसे पहले मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा. ओके, जिसके अंदर मैं फाइल को ओपन करवा जाता हूँ. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूं F और यहां पे मैं ओपन लिखता हूं. ओके, या आप इसको F और यहां पर मैं ओपन लिखता हूं. ओके, या आप F फाइल कुछ भी आप लिख सकते हैं. इज इक्वल टू इसके आगे मैं क्या लिखूंगा कि यहां पर अगर सिंपल मैं F ओपन नहीं, मैं फाइल लिखता हूं. ओके, तो फाइल. ओके, और हैंडल लिख देता हूं. ओके, तो यहां पर इस तरह इसका जो नेम होगा वो डिफरेंशिएट हो जाएगा. ओके, तो इसके आगे मैंने एक हमारे पास फंक्शन होता है ओपन करने के लिए. ओके, बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पास, वो होता है एफ ओपन. ओके, तो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा एफ ओपन. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फाइल नेम आता है, मतलब कि आप जो भी यहाँ पर उसका पाथ है वो आपने देना है. ओके, तो सिंपल क्योंकि मुझे पता है कि ये अभी इसी ही फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि यहाँ पे फाइल. ओके, .txt. अगर तो ये प्रॉब्लम देता है तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने सिंपल जो भी कंप्लीट पाथ बन रहा है htdocs के अंदर आपने ये किया हुआ है. ओके, तो वो आपने कंप्लीट इसका पाथ देना है. अब इसके अंदर मोड आते हैं, मोड डिफरेंट टाइप के आते हैं, या आप जस्ट इसके अंदर राइट करवाना चाहते हैं, या रीड करवाना चाहते हैं, या वट एवर कुछ भी आप करवाना चाहते हैं. तो ये डिफरेंट मोड्स हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे. ओके, तो आपने जस्ट PHP फाइल हैंडलिंग मोड्स लिखना है तो वो आपको ईजिली मिल जाएंगे. तो ये भी सिंपल क्या होता है कि जहाँ मैं जस्ट आर लिख देता हूँ. ओके, आर के लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर सिंपल ये क्या करेगा कि आर लिखने से हमारे पास रीड होता है. ओके, जहाँ मैं जस्ट सेमी कॉलम लगाता हूँ, और अगर यहाँ पे आप आर प्लस लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, और इसका जो कर्सर होगा, ओके, जो पॉइंटर होगा वो स्टार्टिंग में फाइल में आ जाता है. ओके, ये सिंपल हमारे पास था कि हमने एक फाइल को क्या किया, ओपन किया.
इसी तरह आप किसी भी फाइल को क्या करवा सकते हैं, आप क्लोज भी करवा सकते हैं। क्लोज के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉर्मल सी बात है, आपने जस्ट यहाँ पे क्या लिखना है, एफ क्लोज। ओके, तो जैसे ही आप एफ क्लोज लिखेंगे ये आपके पास आ गया, और यहाँ पर आपने जस्ट उसका नाम नेम दे देना है। ओके, जो भी आप जिस भी आपने फाइल के अंदर क्योंकि आप यहाँ पे मैं जस्ट फाइल हैंडल दे दूंगा। ओके, तो जस्ट आपने यहाँ पर सेमी कॉलम लगा देना है। ओके, और इसी तरह आप क्या करवा सकते हैं कि लेट्स सपोज अभी आप क्या करवाना चाहते हैं, अभी आप रीड फाइल करवाना चाहते हैं। अभी तो जस्ट मैंने ओपन और क्लोज करने का मैंने आपको तरीका बताया, लेकिन अगर आप किसी फाइल को रीड करना चाहते हैं देन आपने क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, या तो आप इसी जगह पे इसका कंप्लीट पाथ दे दें, अदरवाइज आप इस पाथ को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं पहले। ओके, फिर आप वो वेरिएबल यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, तो ये आप दे सकते हैं कि आप यहां पर सिंपल वेरिएबल भी वो दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रीड फाइल करनी है। तो रीड फाइल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने यहां पर वेरिएबल करना, ओके, लिखना है कोई भी वेरिएबल। यहां पे जस्ट मैं क्या करता हूं कि यहां पे लिखता हूं फाइल। ओके, और उसके आगे मैं यहां पे लिखता हूं रीड। ओके, तो यहां पे जस्ट मैंने फाइल रीड लिखा, जी आपने वेरिएबल बनाना है। ओके, उसके बाद आपने एक हमारे पास फंक्शन होता है, ओके, जो एफ रीड के नाम से होता है। ओके, तो ये आपको नजर भी आ रहा होगा। ओके, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि सिंपल उस पाथ देना है जिस भी आपने इस फाइल को ओपन करवाया हुआ था। ओके, तो मैंने किस में ओपन करवाया हुआ था, तो मैंने जस्ट उस वेरिएबल का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन दूंगा और यहाँ पर मैं फाइल दूंगा और फाइल हैंडल दे दूंगा। ओके, तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने जस्ट लेंथ आपने दे देनी है। ओके, तो या आप यहाँ पे लेंथ किस तरह आप वो फंक्शन निकालेंगे, मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा कि जो भी आपका फाइल साइज है, तो ये भी आपका क्या होगा, फंक्शन एक होगा। ओके, तो फाइल आप यहाँ पे जस्ट साइज लिखते हैं। ओके, और फाइल का नेम दे देते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फाइल का नेम हमारे पास क्या होगा। ओके, तो ये हमारे पास फाइल नेम है, अदरवाइज आप ये पूरे का पूरा पाथ भी उठा के दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जस्ट फाइल साइज, ओके, मैं इसको अगर कंट्रोल सी करूँ, ओके, यहाँ पर अगर इसे मैं पेस्ट कर दूँ, ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ओके, तो ये आप यहाँ पे जस्ट आपने सेमी कॉलम लगा दें, अदरवाइज ये आप इस फाइल को अगर कोई एरर आता है तो आप इस फाइल को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं और फिर आप यहाँ पे उस वेरिएबल का जस्ट नेम दे दें। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि जस्ट सिंपल इको करवा देना है, मतलब कि ये जो आपने फाइल रीड आपने जो लिखा हुआ था, ओके, तो यहाँ पे जस्ट आपने इको करवा देना है। इको करवाने से क्या होगा कि यहाँ पर जस्ट आप क्या लिखेंगे, इको, ओके, और इको के आगे आपने जस्ट डॉलर साइन, ओके, यहाँ पे आपने फाइल क्या लिख देना है, फाइल रीड के नाम से। ओके, तो फाइल रीड हमारे पास कंट्रोल एस किया। ओके, कंट्रोल एस करने के बाद आपने फाइल को क्लोज लाजमी करना है। ओके, क्लोज नहीं करेंगे तो एम ए बी एरर आए। ओके, तो अब ये यहाँ पर इको जो आपने किया वो प्रिंट रिजल्ट करेगा। ओके, तो जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पर फायरफॉक्स में जाता हूँ। ओके, यहाँ पे जस्ट आप कुछ भी एक्सप्लोरर या आप उस पर ओपन कर सकते हैं गूगल पे। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या लिखता हूँ, सबसे पहले लोकल होस्ट लिखा। ओके, फिर उसके आगे मैंने कैपिटल पीएचपी का फोल्डर था, उसके अंदर फिर मैंने फाइल, ओके, और अंडरस्कोर, और फिर उसके अंदर जो मैंने पूरा पूरा नाम दूंगा, ओके, हैंडलिंग डॉट पीएचपी का दिया। ओके, तो ये देख सकते हैं कि किस तरह उसने हेलो इट्स माई न्यू प्रोग्राम प्रिंट किया। ओके, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक टेक्स्ट बनाया, ओके, टेक्स्ट फाइल बनाई और आप उसको पीएचपी की फाइल के अंदर ओपन करवा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने स्टोर किया और उसको आपने फिर रीड करवा दिया। ओके, ये देखें आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास रीड हो रहा है। इसी तरह अगर आप लेट्स सपोज राइट करवाना चाहते हैं, तो राइट करवाने के लिए भी सिंपल सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि सिंपल आपको इसी तरह ओपन करना होगा, लेकिन यहाँ पे आर की जगह आपको डब्ल्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि आप अभी राइट करवाना चाहते हैं। उसके आगे यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन होता है, सीक है, और वो राइट का फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पे एफ राइट लिखते हैं। ओके, एफ राइट लिखते हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिखना होता है कि आप किसके अंदर जिस पे भी आपने फाइल को ओपन किया हुआ है उसका नेम आएगा। ओके, ये जो आपने जिस फाइल के अंदर ओपन किया हुआ है इस फाइल का नेम आएगा, जैसे कि फाइल हैंडल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डॉलर साइन और फाइल हैंडल आ जाएगा। ओके, तो ये जैसे ही आपने लिखा, अब आप जो कुछ भी इंटर करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इंटर करवा सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, तो मैं लिखता हूँ कि थैंक्स, ओके, मैं थैंक्स फॉर, ओके, फॉर इनवाइटिंग, या इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने इस तरह लिखा।
ओके तो जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और कंट्रोल एस करने के बाद आप अगर दोबारा इस तरह कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके तो ये बहुत ही इजी स्टेप है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो इसी तरह आप यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ कि अब जो रीड मैंने किया हुआ मैं जस्ट उसको कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ, कमेंट हो गया। ओके तो उसके इसके बाद आपने जस्ट इसको क्लोज कर दिया फाइल हैंडल को। ओके तो इसके बाद आप जस्ट कंट्रोल एस करते हैं। ओके कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुली होता है तो जस्ट आप यहाँ पर इको करवा सकते हैं। ओके इको करवा सकते हैं कि राइट सक्सेसफुल, या आप मतलब कि कुछ भी राइट डन मैं लिख देता हूँ। ओके तो ये डन हो गया, कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब मैं जस्ट दोबारा से इसे क्या करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, और यहाँ से जस्ट मैंने क्या किया, रिफ़्रेश किया। ओके तो ये एफ क्लोज पे क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम दे रहा है कि लाइन नंबर 7 पे आपके पास एरर है। ओके लाइन नंबर 7 पे, तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं तो ये कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ओके गाइस तो यहाँ पर लाइन नंबर 7 पे आ रहा है कि आई थिंक हम दोबारा से अगर एरर देखें तो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये जो आपने एफ क्लोज लिखा हुआ है, ओके अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग के पास है। ओके तो यहाँ पर मैं जस्ट जाऊँगा। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एफ क्लोज के पास मैं देखूँ तो यही हमारे पास कमांड है, और यहाँ पर सेमी कॉलम में लगा हुआ। ओके तो ये सिंपल सी मिस्टेक है, तो आपने बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है। ओके तो जस्ट मैं अभी यहाँ पे आता हूँ। ओके जस्ट मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ओके तो राइट डन हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं यहाँ पर ओके जो भी आपने फाइल क्रिएट की हुई है, ओके तो यहाँ पर थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आपने उसके ऊपर क्या करवा दिया कि आपने ओवरराइड करवा दिया। तो ये देख सकते हैं कि पहले मैंने क्या लिखा हुआ था और अब हमें क्या शो हो रहा है। ओके तो पहले मैं आपके सामने मैंने फाइल क्रिएट की, उसके अंदर मैंने कुछ सिंटैक्स लिखा। ओके और इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ओवरराइड हो गया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं यहाँ पर थैंक्स फॉर कमिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके तो यहाँ पर मैं अगर थैंक्स फॉर कमिंग लिखूँ, ओके तो सिंपल मैं यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेट या कमिंग, आप वट एवर आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके तो कंट्रोल एस किया। ओके और कंट्रोल एस करने के बाद ओके तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक दफ़ा रन करना है इसे। ओके रन करना है यहाँ पर। ओके तो जैसे ही रन हुआ तो आप देखते हैं क्या ये चेंजेस हुई हैं। तो ओके यू देख सकते हैं किस तरह हमारे पास ये चेंजिंग हुई हैं। ओके तो ये सिंपल था कि आपने क्या किया, राइट किया और रीड किया। ओके और इसी तरह आप क्या चाहते हैं कि जो आपने अभी फाइल क्रिएट की है उसको आप डिलीट भी करें, तो डिलीट करने के लिए भी बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है। जस्ट आपने जैसे ही आप क्या करते हैं कि पीएचपी की मोड के अंदर आते हैं, ओके जो भी आपने टैग लिखा हुआ है उसके अंदर जस्ट आप उस फाइल का पाथ दें और उसे डिलीट कर दें, तो आपने जस्ट फंक्शन जो लेना है वो आपने क्या लेना है, वो आपने अनलिंक एक आपके पास फंक्शन होगा। ओके तो उसके अंदर फाइल नेम हमारे पास क्या होगी, डॉलर साइन। ओके और यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, फाइल हैंडल। ओके जो आपके पास फाइल नेम था, ओके जिसके अंदर आपने इसको या तो आपने यहाँ पर इसका पाथ दे देना है। ओके तो यहाँ पे आप इसको पाथ देंगे। ओके तो फाइल यहाँ पे आप कंप्लीट इसको पाथ भी दे सकते हैं। ओके जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ फाइल डॉट टी एक्स टी। ओके तो यहाँ पे फाइल और डॉट टी एक्स टी दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नेम भी दे सकते हैं। ओके जस्ट मैंने कंट्रोल एस किया। ओके तो कंट्रोल एस करने के बाद ओके जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ और दोबारा से अगर रिफ्रेश करता हूँ तो लेट्स सी कि क्या होता है। ओके तो ये हमारे पास दोबारा से आया। ओके तो यहाँ पर हमारे पास मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, ओके तो यहाँ पर मैं अगर इस सबलाइन टेक्स्ट पे आता हूँ, ओके तो सिंपल मैं यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करता हूँ। ओके और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एच टी डॉक्स के अंदर आता हूँ। ओके यहाँ मैं लिखता हूँ एच टी डॉक्स। ओके तो मे बी डायरेक्ट ये हाँ फोल्डर ओपन हो गया है। ओके तो इसके अंदर हमारे पास एक मतलब के PHP का एक फोल्डर होगा, हमने जस्ट उसको ओपन करना है और उसके अंदर हमने चेक करना है कि वाकई ही क्या ये हुआ है या नहीं। ओके तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर आपके पास ये हमारे पास फाइल ओपन हो रही है। ओके तो थैंक्स फॉर कमिंग आपके पास आया है, तो आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर आप आए हैं ओके और आपने यहाँ पर अनलाइक ओके यहाँ पर आपने फाइल डॉट डी एक्स टी कंट्रोल एक्स। ओके और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसके बाहर ही आप क्या कर सकते हैं कि इसे कंट्रोल वी कंट्रोल एस। ओके तो यहाँ पर आप ये एक दफ़ा ये चेक करके देख लीजिए ओके जो भी आपने फाइल नेम दिया हुआ है। ओके अदरवाइज आप इसका कंप्लीट पाथ आप ये देकर देख सकते हैं। ओके तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। ओके और जस्ट मैंने इसे रिफ़्रेश किया, या आप दोबारा से इसे अगर एरर आ रहा है तो आपने दोबारा से ये राइट करना है तो आपके पास डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पीएचपी के अंदर जो हम करते हैं वो इसी तरह ही होता है। सो गाइस आई होप कि आपने ये भी देखा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह हमारे पास डिलीट हो गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल चीज़ है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आप ये देखें
कि यहाँ पर ये किस तरह हमारे पास ये फाइल्स के अंदर जो हमने एच टी डॉक्स के अंदर एक फाइल बनाई थी PHP के फोल्डर में TXT के नाम से, वो भी आप दे सकते हैं कि हमें शो नहीं हो रहा। सो गाइज, तो ये इतना सिंपल है, तो आई होप कि यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास इस तरह की कोई भी फाइल नहीं है जो .txt के नाम से हो। सो गाइज, एट दी एंड आई होप कि आपने फाइल हैंडलिंग के बारे में सीखा होगा, किस तरह हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं PHP की मदद से। सो एट दी एंड कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग मी प्रोग्रामर, बाय।